ब्लॉग भी रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, एक दिन जा रहा है एक दिन नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं कुछ सूट ही नहीं कर पा रही हूँ तबीयत की वजह से। तो आज मैंने सोचा कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के काम में बैठे बैठे करती हूँ, क्योंकि मुझे थकान बहुत लग रही है। If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like if somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग हो चुकी है और मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर दी है। तो सबसे पहले मैं बिस्तरों को कैरी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे सब उठ गए हैं, तो मैं बिस्तर को तह के रख रही हूँ। क्लीनिंग काम शुरू हो गया है, तो सबसे पहले झाड़ू पोछा, इसके बाद किचन के काम, और फिर नहाना धोना, और उसके बाद सबसे प्रथम काम नहाने के बाद जो होता है वो आप सब जानते हैं, यानी कि ईश्वर की आराधना। सुबह सुबह क्लीनिंग का भी काम चल रहा है और साथ में बज रहे हैं भजन। तो भजन की क्लिप तो मैं नहीं डाल सकती, बट मैं आपको बता देती हूँ कौन सा भजन बज रहा है। राधे राधे बोल बरसाने में डोल, ये वाला भजन बज रहा है। और मॉर्निंग में जब भजन बजते हैं तो आप काम करते हो, तो आपका दिन भी अच्छा हो जाता है और काम भी आपके हो जाते हैं। If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. स्नान के बाद ध्यान भी हो गया है और कान्हा जी ने आज पहने हैं ऊनी पोशाक, यानी ठंड का आगमन हो गया है, तो अब कन्हैया जी भी ऊनी वस्त्र पहनेंगे। तो ये जो ड्रेस है मैंने खुद से बनाई हुई है। If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. और आज मैंने किचन का कुछ भी काम आप लोगों से शेयर नहीं किया, क्योंकि स्वास्थ्य ना अच्छा होने की वजह से कई बार आपका मूड नहीं होता है कि आप कुछ भी शूट करो। तो मेरे साथ ही आज मैं कुछ हल्के फुल्के काम लेके बैठी हूँ जो मैं बैठे बैठे कर सकती हूँ। तो मैं आज अरेंज कर रही हूँ अपनी ये अलमीरा, और दीपावली पर मैंने क्लीनिंग तो की थी बट कपड़ों को अरेंज नहीं कर पाई थी सही से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी नहीं अच्छा हो रहा है, पता नहीं क्यों। गला आप देखिए कितना ज़्यादा मेरा ख़राब है, जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग भी रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, एक दिन जा रहा है एक दिन नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पा रही हूँ तबीयत की वजह से। तो आज मैंने सोचा कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के काम में बैठे बैठे करती हूँ, क्योंकि मुझे थकान बहुत लग रही है और मैं बराबर स्टीम ले रही हूँ। और मेरे घर में सभी बीमार थे, तो थोड़ा थोड़ा सबको असर हल्का सा हुआ, लेकिन मुझे नहीं ठीक लग रहा। तो मैंने क्या किया है कि अब सोचा कि ठंड तो बढ़ रही, तो मैंने सोचा कि जितने भी वूलन कपड़े हैं वो निकाल लेती हूँ, और जितने भी जो कॉटन के कपड़े हैं उन्हें उठा कर देती हूँ। तो मैंने कपड़ों को इस तरीके से अरेंज कर दिया है और बाकी की मैं उठा के ऊपर रखने जा रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको क्या दिखाऊँ वो समझ में नहीं आता, आप लोग भी कुछ सजेस्ट कीजिए, थोड़ा स्वास्थ्य हो जाए ठीक तो मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊं और कुछ नया करूं। और अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया है, उसे आपको ज़रूर देखिएगा। मैंने वैक्स पर एक रिव्यू किया हुआ है, जिन लोगों को ज़रूरत है और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है, काफ़ी बड़ा पैक है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। Thank you.
देखते नहीं है तो ये यूज में आ जाते हैं, इनमें रख लेंगे ये कुछ स्टोल्स जो कि अभी यूज नहीं होने हैं तो जिनको यूज करना है उनको अलग रख लेंगे और जो नहीं यूज करने हैं तो जैसे कि ये वाले मिनट डेली यूज किए हैं तो इन्हें मैं अलग रख लूँगी और कुछ ये हैं और कुछ यहाँ पर देखो ये इनका भी काम नहीं गर्मियों में तो इन सबको उठा करके अभी पैक करके रख देंगे क्योंकि अरेंजिंग बहुत ज़्यादा जरूरी तो ये मैंने ये स्टोर भी पैक करके रख दिया। ये है मेरी साड़ियाँ, ये तो मैं आपने देखी हुई है, ये भी मैंने पहनी थी कुछ दिन पहले और ये है साड़ी बहुत ही प्यारी है, देखिए आप है बिल्कुल बिल्कुल मलाई कपड़े की साड़ी है। साइज जितना गर्मी में पहनी है गर्मी नहीं लगती तो मैं तो साड़ी बहुत कम पहनती हूँ सोचती तो हूँ पर ये बहुत मुझे बहुत फेवरेट है क्योंकि इसका देखिए वाइट वेस है और ब्लैक का ये है तो ये बहुत प्यारी मुझे लगती है और इसके साथ ब्लैक ब्लाउज है। ये साड़ी भी मैंने पहनी हुई है पिछले ब्लॉग में मैंने जब एकादशी का ब्लॉग डाला था तब मैंने इस साड़ी को पहना हुआ था तो इसे भी अब मैं ऊपर ही रखाऊंगी मतलब जो मुझे अलवारी है। ये साड़ी भी आप देख चुके हैं, ये मैंने पिछले बर्थडे पर अपने छोटे बेटे के बर्थडे पर ये पहनी थी तो इसे भी मैं रखाऊंगी। तो ये मेरी साड़ियाँ हैं जो मैंने ऊपर रखने जा रही हूँ, ये आपने शायद नहीं देखी है और ये भी बहुत मलाई कपड़े की साड़ी प्रिंटेड साड़ी है कुछ इस तरीके से दिखती है ये देखिए। और कभी मैं आपको अपना पूरा साड़ी का टूर दिखाऊंगी थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो फिर मैं क्योंकि देखिए ठंड मुझे लग रही गला नहीं ठीक है मैंने स्वेटर अभी भी पहन रखा। तो ये है कुछ ब्राउन शेड में है और ये भी बहुत कम्फर्टेबल साड़ी बिल्कुल मलाई साड़ी है और ऐसे आपको कैमरे में नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन इस साड़ी को पहनने पे बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है और बहुत कंफर्टेबल भी है। और ये साड़ी भी आपने शायद देखी होगी मुझे याद नहीं है मैंने पहनी है कि किसकी क्लिप मैंने शायद आप लोगों को डाली है। तो ये साड़ी मुझे मिली थी गिफ्ट में पूजा में मुझे मिली थी और रात की पूजा में। तो ये साड़ी का देखिए कुछ बेच इस तरीके का है और बाकी कुछ प्रिंट इसका इस तरीके का। तो इस पर मैरून शेड का ब्लाउज है तो और ये साड़ी मैंने खरीदी थी तो इस साड़ी पर अभी तक मैंने कोई शायद वीडियो नहीं डाला हुआ है आप लोगों से तो कुछ इस तरीके की साड़ी है मैं आपको दिखाती हूँ बस इसका ये देखिए किनारी देखिए इसकी वाइट है मैं खोल कर दिखा देती हूँ देखिए किनारी वाइट है और ब्लू कलर का इस पर देखिए इस तरीके से कलर है ये और जो इसका पैच वर्क है वो बहुत प्यारा है देखिए इस तरीके का पैच वर्क है इस पर। अच्छी साड़ी में खड़े होकर दिखाती हूँ आपको तो ये देखिए पूरी साड़ी में देखिए इस तरीके से हाफ वर्क दिया हुआ है ये देखिए और इसका पल्लू भी इसी कलर का है तो साड़ी काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। मैं इसे तहा देती हूँ क्योंकि भारी साड़ियों को अरेंज करने में थोड़ी दिक्कत होती तो इनको हालांकि ये वॉशेबल है घर पर वॉश हो जाती है तो बस मैं इसे ताक के रख देती हूँ। देखिए साड़ी मैंने ताक के ये देखिए दिख रहा है ना आपको इसका अखबार पे ये इसका पल्लू देखिए इस तरीके से। तो ये साड़ी थी अभी मुझे पहननी नहीं है तो मैं इसे भी उठा करके रख दे रही हूँ।
की दीपावली मैंने सफाई तो की थी पर कपड़े जो है मैं थोड़ा सा नहीं रख पाई थी क्योंकि टाइम का शॉर्टेज था इस तरीके से। और ये साड़ी भी आपने देखी हुई है, ये मैंने अभी ये मैंने पहनी थी हरियाली तीज पर। ये साड़ी मैंने हरियाली तीज पर पहनी थी, आपने देखी है। और ये साड़ी आपने नहीं देखी है, ये देखिए ये साड़ी कुछ इस तरीके की है। और ये मैंने पिछली दीपावली पे पहनी थी और इसका ये बहुत लाइट वेट साड़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें कुछ इस तरीके से कलर्स बने हुए हैं, देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए तरीके से कलर्स बने हुए और दो शेड में साड़ी है। और इसका ब्लाउज भी इसी तरीके का है, तो काफ़ी लाइट वेयर साड़ी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। इसी तरीके मेरे पास एक साड़ी और है जो अभी मैंने लेटेस्ट में आपको दिखाई थी, ग्रीन कलर की साड़ी। तो ये हो गई मेरी पैकिंग अभी, तो साड़ियाँ सारी हो गई हैं अरेंज और अभी ने मैं पैक करके पॉलीथीन में करके रखाऊंगी। तो चलिए अभी इनको ले चलते हैं। साड़ियों को तहाना बड़ा टास्क वाला काम है, अगर एक बार तही खुल गई तो फिर उसको फिर लगाना काफ़ी दिक्कत का विषय हो जाता है। तो चलिए ये हो गई है मेरी साड़ियों की पैकिंग, तो चलिए उन्हें लेके चलते हैं। तो थोड़ी सी मेरी अलमीरा जो है वो अरेंज मैंने की है क्योंकि देखिए कुछ तरीके से मैंने अरेंज कर दी है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। वो देखिए ऊपर का जो पार्ट है वो पूरा खाली कर दिया मैंने वो वाला, और वहाँ पर मैंने अपनी कुछ डेली यूज की साड़ियाँ लगा दी हैं, कुछ ऐसी ऑर्डिनरी साड़ियाँ लगा दी हैं। तो देखिए ये साड़ी भी मैंने अभी आपको नहीं दिखाई हुई है, तो ये साड़ी मैं अभी एकादशी की पूजा में पहनने वाली हूँ। तो ये साड़ियाँ मैंने इस तरीके से करके रख दी हैं और ये कुछ उसे के सेट्स हैं। और ये मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं वुलन कपड़े रखने वाली हूँ। और ये बाकी की अलमारी अरेंज कर दी है कुछ इस तरीके से, देखिए मैंने। और नीचे ये मैंने अपने लगा दिए हैं सूट वगैरह, कुछ स्टोल हैं ये सब इस तरीके से। तो बाकी की अलमारी अरेंज हो गई। और ये जो कपड़े मुझे ऊपर लेके जाने हैं, तो ये मेरे हाफ सूट है, ये चुनिया अरेंज कर दी हैं और ये स्टोल है। ये साड़ियाँ मैंने सारी की सारी अरेंज करके रख दी, सारी की सारी मुझे पैक करके रखनी है। ये था मेरा आज का ब्लॉग, तो मिलेंगे कल फिर, तब तक के लिए राधे राधे। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मस्त रहें।